उदयपुर राजस्थान का शहर और पर्यटन स्थल है जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने स्थापित किया था। अपनी झीलों के कारण से झीलों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपम है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उदयपुर में घूमने की 10 सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, बागोर की हवेली। उदयपुर के राजा महाराजाओं के बीते समय की शाही जिंदगी की झलक पाने के लिए बागोर की हवेली एक उचित जगह है। उदयपुर की पिचोला झील के किनारे स्थित ये हवेली काफ़ी बड़ी है, जिसमें 100 से ज़्यादा कमरे हैं। इन कमरों में कांच का आकर्षक काम किया गया है। यहाँ पर शाम को आप नाच गाने के कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। नंबर 9, शिल्पग्राम। शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित शिल्पग्राम नाम अनुसार शिल्प कला को तो प्रदर्शित करता ही है, और साथ ही साथ आप राजस्थान सभ्यता और रीति रिवाज को करीब से देख सकते हैं। सरकार द्वारा संचालित इस जगह पर आप यादगार के तौर पर कलाकृतियां खरीद सकते हैं और साथ ही ऊंट और घुड़सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। नंबर 8, विंटेज कार म्यूजियम। कार के शौकीन लोगों के लिए उदयपुर में है विंटेज कार म्यूजियम। यहाँ पर राजा महाराजाओं की सैकड़ों चमचमाती गाड़ियों का कलेक्शन है, जो अपने जमाने की शानो शौकत को बखूबी बयां करता है। इन गाड़ियों में इंग्लैंड की महारानी, जेम्स बॉन्ड और कई अन्य महान हस्तियों ने सैर की है। नंबर 7, भारतीय लोक कला मंडल। उदयपुर के चेतक सर्कल के पास बना है भारतीय लोक कला मंडल। हस्तशिल्प और कला से जुड़ा हुआ ये एक अनोखा पर्यटक स्थल है। यहाँ राजस्थान से जुड़ी कई नायाब चीजें हैं, जैसे कि चित्रकारी, आभूषण और कपड़े, खिलौने, संगीत के यंत्र आदि देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कठपुतली के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जो कि आपको पसंद आएंगे। नंबर 6, सज्जनगढ़ महल। उदयपुर की वंशधारा पहाड़ी पर बना हुआ है सज्जनगढ़ महल, जहाँ पर मेवाड़ के राजा गर्मियों में विश्राम किया करते थे। यहाँ से मानसून के बादलों का विश्लेषण किया जाता था, और यही कारण है इस महल को मानसून महल भी कहा जाता है। यहाँ से उदयपुर की झीलों और सूर्यास्त का अद्वितीय नज़ारा देखने को मिलता है। इस जगह को जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपेसी में भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क, जिससे आपको मिल सकेंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। नंबर 5, गुलाब बाग और जू। गुलाब बाग उदयपुर का सबसे बड़ा उद्यान है, जो 100 एकड़ में फैला हुआ है। इस उद्यान का नाम यहाँ पाए जाने वाले बेशुमार गुलाब के फूलों के नाम पर पड़ा है। गुलाब बाग में देखने के लिए बहुत कुछ है। एक तरफ यहाँ 30,000 से ज़्यादा किताबों वाली सरस्वती लाइब्रेरी है, वहीं दूसरी तरफ मन को बहलाती हुई टॉय ट्रेन भी है। यहाँ पर नौलखा महल है, जहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया था। नंबर 4, उदयपुर के मंदिर। उदयपुर में अनेकों और विशाल मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से मुख्य मंदिर एकलिंग जी मंदिर, जग मंदिर, जगदीश मंदिर और श्रीनाथ जी मंदिर। एक तरफ जहां शिव जी को समर्पित एकलिंग जी मंदिर अपनी वास्तुकला से लुभाता है, वहीं दूसरी तरफ पिचोला झील के बीचों बीच मौजूद जग मंदिर अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देगा। नंबर 3, सहेलियों की बाड़ी। उदयपुर के उत्तरी भाग में सहेलियों की बाड़ी राणा संग्राम सिंह के द्वारा बनवाया गया एक सुंदर बगीचा है। ये जगह राजकुमारी की सहेलियों के लिए बनवाई गई थी, जो यहाँ शादी के वक्त नाच गाने का काम करती थी। यहाँ के बगीचों में पानी के फवारों, कमल के तालाब और संगमरमर के हाथियों के बीच सैर काफ़ी मनमोहक लगती है। नंबर 2, सिटी पैलेस। उदयपुर का सबसे लोकप्रिय स्थान है यहाँ का सिटी पैलेस, जो कि राजस्थान की भव्यता को अपने आलिशान महल से बखूबी दर्शाता है। मेवाड़ के शाही परिवार की ये संपत्ति पर्यटकों के लिए कई किस्से समेटे हुए हैं। यहाँ पर आप दावते आम, दावते खास, क्रिस्टल गैलरी जरूर देखें। अगर आपके पास समय हो
यहाँ शाम को होने वाले लाइट एंड साउंड शो को जरूर देखें, जो कि दिन का सुकूनदायक अंत कर सकते हैं। नंबर एक, उदयपुर की झीलें। और अगर उदयपुर का नाम लिया जाए और झीलों का जिक्र ना किया जाए तो ये उदयपुर के साथ बेइंसाफी होगी, क्योंकि उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर और इसके आसपास कई आकर्षक झीलें हैं, जहां जाकर आप अपने दिन की थकान मिटा सकते हैं। पिचौला झील, फतेहगढ़ बड़ी, उदय सागर, जैसमैन यहां की कुछ मुख्य झीलें हैं। इन झीलों के किनारे कई रोचक स्थान हैं, जैसे कि पिचौला झील से सटा हुआ दुध दलाई म्यूजियम गार्डन और शानदार लेक पैलेस। तो ये थे उदयपुर के 10 प्रमुख स्थान। लेकिन कुछ और स्थान हैं जो उदयपुर में देखने लायक हैं। वह हैं हल्दी घाटी, सेलिब्रेशन हॉल, चेतक स्मारक, बड़ा महल। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप जितना शेयर करोगे उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए।